दोस्तों आज के हमारे वीडियो में हम तारीख के एक ऐसे महान योद्धा के बारे में बात करने वाले हैं कि जिनकी बहादुरी के किस्सों से तारीख भरी पड़ी है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे हजरत खालिद इब्ने वलीद के बारे में। अरब के इतिहास में 100 से ज्यादा जंगों में हिस्सा लेने वाले अनडिफीटेड कमांडर, जिनको शिकस्त देना उनके दौर के बड़े बड़े शासक और साम्राज्य के लिए एक सपना बन के ही रह गया। आज के हमारे वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि कैसे खालिद इब्ने वलीद ने अपने दौर के बड़े बड़े साम्राज्य शासन और बादशाहों को जड़ से उखाड़ फेंका, और क्यों उनके इस दुनिया से जाने के सैकड़ों साल बाद भी उनका जिक्र दुनिया के महानतम कमांडरों में किया जाता है। दोस्तों हजरत खालिद इब्ने वलीद की पैदाइश आज से तकरीबन 1400 साल पहले सन 592 ईस्वी में मक्का में हुई थी। अपने शुरुआती दौर में वो इस्लाम के एक बड़े दुश्मन थे। कहते हैं जहाँ भी मुसलमानों और कुफारों के बीच जंग होती थी तो अक्सर खालिद इब्ने वलीद ही कुफारों और मुशरिकों के लश्कर के कमांडर हुआ करते थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि हिदायत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, और अल्लाह कब किसको हिदायत दे दे ये कोई नहीं जानता। गालिबन 20 साल के लंबे टकराव के बाद आखिरकार खालिद इब्ने वलीद को अल्लाह ताला ने हिदायत दी और वो मुसलमान हो गए। इसके बाद यूं तो हजरत खालिद इब्ने वलीद ने अपनी जिंदगी में 100 से ज्यादा जंगें लड़ी, लेकिन फिर भी उनकी तरफ से लड़ी गई अहम जंगों में से एक नाम जंगे यमामा का भी है। ये जंग उस दौर में लड़ी गई कि जब अल्लाह के नबी की वफात के बाद एक शख्स जिसका नाम मुस्लिमाए कज़्ज़ाब था उसने दावा कर दिया था कि मैं भी एक नबी हूँ। दोस्तों मुस्लिमाए कज़्ज़ाब एक आम आदमी नहीं था, बल्कि इसके पास उस दौर में अरब का सबसे ताकतवर लश्कर यानी कि सेना हुआ करती थी, कि जिसकी तादाद लगभग 50 से 60 हजार के बीच बताई जाती है। कहते हैं इस जंग से पहले मुस्लिमाए कज़्ज़ाब को पूरा यकीन था कि उसकी इस फौज को हरा पाना किसी के लिए भी नामुमकिन है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इस जंग में जहां एक तरफ मुसलमानों के पास सिर्फ 13,000 सैनिक थे, तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिमाए कज़्ज़ाब का लश्कर मुसलमानों से लगभग 5 गुना बड़ा था। लेकिन दोस्तों हजरत खालिद इब्ने वलीद के नेतृत्व में न सिर्फ मुसलमाए कज़्ज़ाब के इस बड़े से लश्कर को शिकस्त दी गई, बल्कि वो भी इस जंग में मारा गया। इसके बाद हजरत खालिद इब्ने वलीद के ही कमांडर रहते हुए रोमन एम्पायर, पर्शियन एम्पायर जैसे बड़े साम्राज्य को भी शिकस्त दी गई। जानकारी के लिए बता दें कि हजरत खालिद इब्ने वलीद के ही नेतृत्व में इराक, ईरान, शाम, जॉर्डन, आर्मेनिया जैसे इलाकों को भी फतह किया गया, और इसीलिए उनका शुमार ह्यूमन हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट कमांडर के तौर पर किया जाता है। तो दोस्तों ये थी हजरत खालिद इब्ने वलीद के बारे में छोटी सी मालूमात। अगर आप भी खालिद इब्ने वलीद की किसी अहम जंग के बारे में जानना चाहते हैं तो उस जंग का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर दें, हम उस पर भी वीडियो जरूर बनाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।